कल जो हमें चीज मिली शायद तुमने भी वो अपनी साइंस की बुक में पढ़ी होगी। सहसूत के पेड़ पर हमें सिल्क वर्म का कुकून मिला, वाओ, जो कि अंदर से बिल्कुल खोखला था, मतलब इसके अंदर का कीड़ा उड़ चुका था। ये उसके किसी काम का नहीं था, अब ये हमारे काम का है। ऐसे हमें तीन कुकून मिले, एक कुकून की मदद से हम लगभग 600 मीटर सिल्क निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे? हाँ याद आया ना, हमने पढ़ा था पहले इनको गर्म पानी में डालना पड़ता है और उसके बाद इनमें से ढेर सारे सिल्क के रेशे निकलने लगे। ये रेशे धूप में चमकते भी है। सिल्क का रेशा स्टील से लगभग 5 गुना मजबूत होता है। चलो इसको भी टेस्ट कर लिया जाए। हमने एक रेशे को बीच में लगा दिया। हाँ वो इतना पतला है शायद तुम्हें दिखाई भी ना दे। अब इस पर वजन डालते हैं। वाह, सिर्फ एक रेशा इतना ज्यादा वजन उठा रहा है।